संजय सर, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्विडिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो हमने यहां पे लेट करना होगा। लेट मतलब माना, हमने माना यहां पे पॉइंट पी। लेट पॉइंट पी इज on x axis, lies on x axis which is equidistant, from points a and b। okay, हमने point p लिया जो कि equidistant है from point a and point b से। ठीक है, अब since point p lies on x-axis, therefore its y coordinate is zero। हमने भी आप ये देखा कि पॉइंट P जो है वो x-axis पे है। जब कोई भी बिंदु x-axis पे होता है उसका y निर्देशांक हमेशा जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे y coordinate जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट P का जो निर्देशांक है या coordinate है वो x होगा, x एक्सिस पे से x कोई वैल्यू होगा और y भी यहां पे जीरो होगा। ठीक है, अब सिंस ये पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस है पॉइंट a और b से, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहां पे हम कि pa इज इक्वल्स टू pb। अब तो डिस्टेंस निकालना है pa का, pb का, दोनों इक्वल होंगे। हमें pa का डिस्टेंस निकालने के लिए हम p के लिए लेंगे हम लोग जो कोऑर्डिनेट उसका नाम देंगे हम लोग x1 y1 और a के लिए लेंगे हम लोग यहां पे x2 y2। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है, यहाँ पर है हमें फार्मूला पता है कि h2 माइनस x1, यहाँ पे h2 कौन है, माइनस टू माइनस x द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल। अब रूट में अगर pb की बात करें तो ये हमारा x1 है y1 है और यहाँ पे b जो है वो x2 और y2 बन जाएगा। अब हमें पता है यहाँ x2 माइनस x1 तो कौन यहाँ पे है, 1 है, 1 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस फिर y2 कौन है, माइनस 4, तो माइनस 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ दी साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो ये जो रूट सिंबल वो हट जाएगा, तो यहाँ बनेगा -2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 4 में 0 का तो 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस -4 -0, तो -0 वाली कुछ होता नहीं हट जाएगा वाला, तो -4 द होल स्क्वायर। अब हम देखें यहाँ पे देयरफॉर यहाँ -2 और माइनस एक्स है तो यहाँ पे फार्मूला आएगा हमारा a माइनस बी द होल स्क्वायर। हम जानते हैं फार्मूला यहाँ पे a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, यही फंडा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a के प्लेस लिख दिया, यहाँ पे -2 दिया तो -2 का स्क्वायर होगा माइनस, फिर -2 लिखेंगे यहाँ पे हम इंटू a, a का वैल्यू दिया हमको यहाँ पे -2 और यहाँ पे b का हमको वैल्यू दिया हुआ है x, फिर यहाँ प्लस b का वैल्यू दिया हमको यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको एक्सपांड कर लिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला a माइनस b द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 4 का स्क्वायर 4 प्लस 16 होगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ चलते हैं 1 का सेम ही फार्मूला अप्लाई होगा, तो 1 का स्क्वायर होगा -2 * 1 * x प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस तो -4 का स्क्वायर करने पे 4 को 16 हो जाएगा, माइनस एन हट जाएगा तो 16 हो गया यहाँ पे। अब हम देखें यहाँ पे देयरफॉर तो -2 का स्क्वायर 2 जब 4 हो गया माइनस एन हट जाएगा, स्क्वायर करने माइनस एन हट जाता है, अब माइनस माइनस का माइनस एन करने पे प्लस बन जाएगा, 2 जब 4 हो गया 4x हो गया सॉल्व करने पे, फिर प्लस यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 16 इज इक्वल्स टू, अब 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ गया माइनस 2 1 जब 2x हो गया स्क्वायर हो गया और प्लस 16 हो गया। देखो दोस्तों दोनों साइड में अगर सेम वैल्यू है सेम साइन है तो कट जाते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, प्लस 16 है प्लस 16 है गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाए देयरफॉर यहाँ 4x बचा, ये जो 2x यहाँ पे उसको यहाँ लेके जाएंगे, ये जो 4x को वहां लेके जाएंगे, तो यहाँ 4x -2x प्लस 2x हो जाएगा
इज इक्वल टू 1, ये जो प्लस 4 है इक्वल वहां पे जाएगा बन जाएगा माइनस 4। अब हम यहां देखें यहां पे तो क्या होगा, 4 और 2 मिलके 6 बन जाएगा, तो देयरफॉर 6x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 अपॉन में 6 होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1 अपॉन 2 बचेगा, तो देयरफॉर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2। ओके, अब यहां पे हमने निकाल लिया x का कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो अब आप जो पॉइंट p है, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तो अब हमारा आंसर आ गया पॉइंट p के लिए x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -1 अपॉन में 2 और कॉमा 0, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो हम यहां आंसर लिख सकते फुल फ्रेज में, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी इज पी दैट इज 1 -1 अपॉन 2 कॉमा 0 इज द आंसर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख के दिया है वेरीफाई, हमें यहां पे वेरीफाई करना है दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम देखते हैं आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लें तो इसके जो वर्टाइसेस, ये वर्टाइस और ये वर्टाइस, उसे बोलते हैं शीर्ष बिंदु, तो शीर्ष बिंदु के जो पॉइंट यहां पे बनेंगे PQR, या PQR आने वाला कहीं जा सकता है, तो डिपेंड करता है, ये मैं बताना है कि वर्टाइसेस हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु में हमें बताना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हिंट दे लीजिए आपको यहां पे, मैं हिंट दे रहा हूं आपको क्या करना होगा, पहले आपको PQ निकालना होगा, आपको यहां पे QR निकालना होगा और आपको यहां पे PR निकालना होगा, क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, यहां पे भी क्या करना होगा, हमें यहां पे सबसे जो बड़ा हमें वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना होगा और जो रिमेनिंग दो फिगर जो स्मॉल फिगर आएंगे उसका स्क्वायर करके उनको ऐड करना होगा, तो जो हमने स्क्वायर किया ना बड़े फिगर का उसके जो दो छोटे वाले सम के स्क्वायर का जो बराबर फिगर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से वो बन जाएगा त्रिभुज, एक बन जाएगा समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बनते ही हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष बिंदु है, कह सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, वो जो पॉइंट्स है तीनों PQR वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, ये हम बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, वेरी सिंपल, पहले हमें निकालना है यहां पे बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है बच्चों क्या फार्मूला होता है, रूट में x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, हमें फंडा अप्लाई करना है, तो पहले हम PQ लेंगे, हम एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख दे रहे हैं, PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू रूट में x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square, अब root में, अब PQ की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2, आप चाहो तो अलग से यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो करके P का वैल्यू इतना है, Q का वैल्यू इतना, तो ये x1 y1 x2 y2 आप ऐसा अलग से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं x2 क्या दिया हम लोग को 2 है, लेकिन 2 - x1 दिया मुझे -2, तो यहाँ ब्रैकेट लगा फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ y2 दिया मुझे 2 - y1 दिया मुझे 2 द होल स्क्वायर, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है 2 ओके, फिर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा 2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 में 2 गया तो 0 द होल स्क्वायर, अब क्या होगा रूट में 2 और 2 मिलके 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 बन जाएगा, देयरफॉर रूट देखो यहां पे 4 का स्क्वायर है, 4 4 से 16 होगा, 16 प्लस 0 दैट इज 16 हो जाएगा, 16 का हम लेंगे स्क्वायर बन जाएगा 4, ठीक है, ये हमारा PQ का डिस्टेंस आ गया। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे QR भी निकालना हो तो हम QR निकालते हैं, QR इज इक्वल टू रूट के अंदर, हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप फार्मूला को लिख सकते हैं, टाइम तो ज्यादा चले जाएगा इसलिए फार्मूला नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, हम डायरेक्टली बताने जा रहे हैं यहाँ पे, देखो हम QR का वैल्यू डायरेक्टली लेने जा रहे हैं यहाँ पे, तो QR के लिए हम देखेंगे हमारा x1 है y1 है x2 है y2 है, तो x2 2 है -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 7 है -2 द होल स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 2 में 2 का तो 0 द होल स्क्वायर प्लस 7 में 2 का बचेगा 5 द होल स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर करने पे 0 आएगा प्लस 5 से 25, नाउ 0 प्लस 25 मतलब 25 हो जाएगा, 25 का लेंगे स्क्वायर रूट बन जाएगा 5, ये क्वेश्चन आ गया 2, ठीक है, अब हम ऐसे निकालेंगे हम लोग यहां पे PR, तो PR के लिए देखिए हम लोग यहां पे तो ये हमारा x1 है y1 है x2 है y2 है, ठीक है, तो ये PR इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 x2 क्या है यहां पे 2 माइनस x1 क्या है -2 द होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट प्लस यहां y2 दिया 7 -2
दी होल स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे टू माइनस का माइनस पे प्लस बन जाएगा, प्लस टू दी होल स्क्वायर हो गया, प्लस सेवन में से टू जाएगा बचेगा फाइव दी होल स्क्वायर। अब टू और टू मिलके बन जाएगा फोर स्क्वायर, प्लस फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव। अब यहाँ पे फोर का स्क्वायर करने पे सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव, तो अब रूट में फाइव और सिक्स इलेवन के वन कैरी वन होगा, टू और टू फोर, रूट में फोर्टी वन आ गया, और फोर्टी वन जो है एक हमारा प्राइम नंबर है तो इसका रूट बाहर निकलने वाला नहीं है, तो इक्वेशन नंबर थ्री आ गया। हमने भी यहाँ तीन डिस्टेंस निकाल लिए हैं, तो एक बार डिस्टेंस निकाल दो पी क्यू हो गया, ठीक है, पी क्यू का वैल्यू हो गया, पी क्यू का हमको वैल्यू आ गया फोर, क्यू आर का हमको वैल्यू आ गया फाइव, और पी आई का वैल्यू आ गया रूट में फोर्टी वन। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि फोर फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन था रूट में, ट्वेंटी फाइव था रूट में, और यहाँ पे रूट फोर्टी वन आ रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पे रूट फोर्टी वन आ रहा है, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो पी आर है, पी आर का लेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर लेते ही जो रूट में फोर्टी वन है उसका भी हम लेंगे स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 41। कभी भी रूट का स्क्वायर लोगे तो रूट सिंबल हट जाएगा, तो 41 आ गया। अब ऐसे जो रिमेनिंग दो है यहाँ पे, ठीक है, इनका भी स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इनका हम स्क्वायर लेंगे और दोनों का हम ऐड कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हम लोग, प्लस यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 4 जाए 16, 5 5 जाए 25, मिल के बन जाएगा 41। तो देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ पर कि जो पी आर का स्क्वायर है 41 और पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर का भी वैल्यू कितना है 41 आ गया, तो बोथ आर इक्वल है, जो दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो इसका मतलब मालूम पड़े पी आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे आर आएगा, तो यहाँ क्या बचा, क्यू बचा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे बैक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देयर फॉर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर वर्टाइसेस, वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे कह सकते हैं कि पॉइंट्स पी क्यू आर जो है आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु पी क्यू आर जो है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु में, यह कह सकते हैं। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा में लिख दिया हुआ है शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आपको बताना है कि पॉइंट पी क्यू आर एस जो है वो वर्टाइसेस है किसके, पैरेललोग्राम के। अभी पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, तो आपको ये बताना है कि ये पॉइंट्स पी क्यू आर एस जो है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, मतलब वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के। तो हमें यह बताना है कि पॉइंट पी क्यू आर एस जो है ये वर्टाइसेस है इस पैरेललोग्राम के। बताने के लिए आपको करना क्या होगा, एक हिंट ले लीजिए, आपको यहाँ पर पी क्यू निकालना होगा, आपको क्यू आर निकालना होगा, आर एस निकालना होगा और पी एस निकालना होगा। यहाँ पर ये तो जो दो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर वन लेके, क्वेश्चन टू लेके, थ्री लेके, फोर लेके आपको दिखना होगा। हम यहाँ पे सबके डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना, ये मालूम पड़ेगा कि पी क्यू का वैल्यू जो है वो आर एस के इक्वल है, क्यू बार का वैल्यू जो है वो पी एस इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इक्वल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसलिए जो कोऑर्डिनेट जो बना है पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स पी क्यू आर एस जो है वो वर्टाइसेस है इस पैरेललोग्राम के, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, हमें निकालना होगा पहले तो बोलेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, हम निकालेंगे पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं रूट में, अगर हम पी क्यू की बात करते हैं, हमारा एक्स वन होगा, वाई वन होगा, एक्स टू होगा, वाई टू होगा, तो एक्स टू सेवन है, सेवन में से टू गया द होल स्क्वायर प्लस फिर थ्री, थ्री लिखेंगे माइनस, हमें माइनस टू दिया हुआ है,
तो आप ब्रैकेट लगा के बड़ा ब्रैकेट डाल देंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर रूट के अंदर 7 2 गया तो बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का मान से मिलेगा प्लस बन जाए प्लस 2 तो होल स्क्वायर 5 5 जा 25 हो जाएगा प्लस 3 और 2 मिलके 5 बन जाएगा 5 का स्क्वायर तो 25 रूट में प्लस 5 5 25 बन जाएगा रूट में 50। ठीक है, इसी क्वेश्चन लेंगे हम लोग बाहर। इसी प्रकार से हमें निकालना होगा अभी यहाँ पे QR का वैल्यू। तो देखेंगे QR के लिए रूट में, रूट में हम देखेंगे यहाँ पे QR के लिए तो यहाँ पे X1 होगा ये Y1 होगा X2, तो X2 क्या दिया हमको है 11, 11 माइनस 7 the whole square plus minus 1 minus 3 the whole square। अब रूट के अंदर 11 में 7 गया तो 4 square plus minus 1 minus 3 बन के बजे minus 4 the whole square, फिर रूट में 4 4 16 4 4 16, देखो यहाँ माइनस का स्क्वायर करने से प्लस बन जाता है 16 16 मिलके बन जाएगा रूट में 32। तो इक्वेशन नंबर हमारा आ गया 2। अब इसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस आर एस का, तो देखिए आर एस इज इक्वल टू रूट के अंदर ये हमारा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो 6 में से 11 जाएगा द होल स्क्वायर प्लस वाई टू दिया हुआ है माइनस 6। ठीक है, अब माइनस 6 से और यहाँ पे माइनस डाल के माइनस 1 दिया है वाई 1 द होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 में से 11 जाएगा तो माइनस 5 बचेगा तो होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 और माइनस का मान से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब माइनस 5 का स्क्वायर करें 5 5 से 25 हो जाएगा रूट के अंदर प्लस माइनस 6 और प्लस 1 6 में से 1 गया तो बचेगा माइनस 5 द होल स्क्वायर, फिर 5 5 से 25 फिर प्लस 5 5 से 25 माइनस का स्क्वायर करें प्लस बन जाएगा और 25 25 मिलकर 50 बन जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया 3। अब इसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग यहां पे किसका वैल्यू निकालेंगे, हम लोग पीएस का वैल्यू, तो हमारे x1 होगा y1 होगा x2 होगा और y2 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ps इज इक्वल टू रूट के अंदर यहां पे x2 क्या दे 6 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस फिर माइनस 6 दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे माइनस लिख के माइनस 2 डालेंगे तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिए द होल स्क्वायर। अब यहां पे 6 में से 2 गया तो बचेगा 4 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 ओके माइनस का माइनस होने पर प्लस 2 बन जाएगा द होल स्क्वायर। अब 4 4 जा 16 होगा प्लस माइनस 6 प्लस 2 गया तो माइनस 4 बचेगा द होल स्क्वायर 16 रूट के अंदर है प्लस 4 4 जा 16 माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस बन जाएगा तो 16 आ गया 16 16 में 32 बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आ गया 3 या 4 आ गया, सॉरी 4 आ गया। अब हम देखेंगे तो बाय 1 एंड 2 3 से देखो सामने सामने बाय 1 एंड 3 से मालूम पड़ गया कि PQ इज इक्वल है RS के और बाय 2 एंड बाय 4 से मालूम पड़ गया QR इज इक्वल किसके PS के, तो मैं है बाय इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 एंड 3 हम कह सकते हैं कि यहां पर PQ जो है वो इक्वल किसके हो गया RS के। इसी क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग 5। ठीक है, अब ऐसे ही बाय इक्वेशन इक्वेशन 2 and 4 से हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ QR जो है वो PS से इक्वल है, QR is equal to PS के। इक्वेशन कुछ 6 ले लो, अब देखो यहाँ पे by 5 and 6 से हम बोलेंगे by equation 5 and 6 by 5 and 6 से हमें ये मालूम पड़ गया कि PQ जो है वो इक्वल है RS के और यहाँ QR जो है वो इक्वल है PS के, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं सर्वांगसम होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्वेक्स इस प्रॉपर्टी से ये बन गया पैरेललोग्राम। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पॉइंट्स देयरफॉर ऐसे पॉइंट्स पी क्यू R and S are vertices, vertices of parallelogram, vertices of parallelogram, ये हमारा हो गया answer। ठीक है, very simple question guys, ये question बहुत simple होते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना लोगे तो question बहुत ही simple लगेंगे। आइए देखते हैं next question। इस सवाल को करने के लिए मैं बताऊंगा जो question का fifth हमने भी किया parallelogram वाला same वैसे सवाल है, थोड़ा बहुत changes है वो बता के दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल ए बी सी डी मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ये रोम्बस आपको प्रूव करना है। फिलहाल आपको आप मान लो हिंट दे रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको ए बी निकालना है
बीसी निकालना है, सीडी निकालना है, एडी निकालना है, सबका आप निकालोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला से, सबका वैल्यू निकालोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू आएगा लगभग 3√10, सॉल्व करोगे सबका वैल्यू क्या है, 3√10 आने वाला है, ठीक है। आप एक खुद ट्राई कर लीजिएगा, तो आप कह सकते हो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, तो बोलेंगे बाय इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 सब कह सकते हो कि AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus, ये बन जाएगा rhombus। अब rhombus बनते ही आप कह दीजिएगा points ABCD are vertices of rhombus ABCD। यहाँ पे क्या होता है, rhombus के all sides equal होते हैं, जब किसी quadrilateral में सभी sides equal होंगे तो वो कहलाएगा rhombus, rhombus आते ही आपका answer मिल जाएगा, ओके। ये सवाल खुद आप try कर लीजिएगा, ये hint ही आपके लिए enough है, ओके। अब देखते हैं question number 7, question number 7 में कह रहा आपसे find x if distance between L and M is 10, यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ है कि डिस्टेंस L M का हमको वैल्यू दिया है 10, ठीक है। तो मैं आपको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, सम को सॉल्व करते हुए हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, हमें पता है डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये हमारा एक्स वन होगा, वाई वन, एक्स टू और वाई टू, तो रूट के अंदर हम जाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर, रूट में एक्स टू का हमको वैल्यू दिया है 1 माइनस एक्स वन दिया है मुझे यस दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू मुझे दिया है 15 माइनस y1 दिया है 7 दी होल स्क्वायर, और हमें डिस्टेंस lm ऑलरेडी दिया है 10, ठीक है। तो दोस्तों हम यहां पे क्या करेंगे, अभी यहां पे हम डायरेक्टली इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ दी साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां जब वर्ग करेंगे आप लोग स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट सिंबल हट जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ पे रूट तो हट गया, तो अब यहाँ पे 1 माइनस x का स्क्वायर करना, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू x प्लस x का स्क्वायर होगा प्लस, अब 15 में 7 है तो बचेगा 8 द होल स्क्वायर, देयरफॉर 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100 होगा इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2 1 जा 2x, ये पूरा 2x हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर या प्लस 8 8 जा 64 हो जाएगा, अब देयरफॉर 100 इज इक्वल ये 1 और 64 भी के 65 बन जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस जो है यहाँ आएगा माइनस बन जाएगा, ठीक है। या फिर क्या इसको आप वहां लेके जाओ, यहाँ जीरो कर दो, देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू यहाँ लिखें एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस 65 और ये जो प्लस 100 है दैट से बिकॉज़ माइनस 100 हो जाएगा, ओके। सो देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस और माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन आता है बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 100, तो माइनस साइन आएगा, 10 में से 5 का तो 5 बचेगा या 9 में से 3 बचेगा 35 आ गया, सो देयरफॉर आप क्या करो इसको यहां लिख दो उसको वहां लिख दो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहां पे क्या करना होगा, हमें यहां पे करना होगा चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के हिसाब से हमें फैक्टराइजेशन करना होगा इसका, हम इसे यहां लिख दे रहे हैं आप x स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 35 बराबर 0 है, अब हम क्या करेंगे यहां पे 1 है तो इस 1 का मल्टीप्लाई 35 में होगा 35 बन जाए 35 माइनस 35 होगा, इसका फ्रैक्शन करेंगे ऐसा कि प्लस या माइनस करने पे हमें माइनस 2 मिलना चाहिए, ठीक है। 7 5 35 7 5 35 7 में से 5 गया तो 2 बचता है तो मुझे माइनस साइन चाहिए, तो बड़े को माइनस छोटे को प्लस, तो ये आपका बन गया फंडा, तो ये है फंडा बन लो अपना हंडा, ठीक है। क्या लिखे हम लोग यहाँ पे x, therefore x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस जहाँ 2x है वहाँ लिखेंगे माइनस 7x फिर प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0, दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ सर सिर्फ एक x कॉमन दिख रहा है, देयरफॉर x लिया यहाँ x स्क्वायर में से एक x बच गया माइनस 7 यहाँ प्लस 5 और 35 में 5 कॉमन दिख रहा है 5 ले लिया x बच गया 5 तो यहाँ पे माइनस साइन है
7 जा 35 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर राइट चला दोस्तों। देयरफॉर x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 बराबर 0 एक ब्रैकेट में, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 7 विल गो टू दैट साइड बिकम प्लस 7 और x इज इक्वल टू प्लस 5 बिकम दैट साइड बिकम माइनस 5। ठीक है दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मतलब कैसे करते हैं, उसे बताया कि आंसर कैसे चेक करने का, या आंसर चेक करने का तरीका क्या है, माइनस 7 है उसको प्लस 7 कर लो, ये जो प्लस 5 है उसको माइनस 5 कर लो, देखो आपको आंसर सेम दिया है क्या, 7 प्लस में 5 माइनस में, ओके तो आपका आंसर क्या ये वाला राइट है, आंसर राइट है। अब हमें यहाँ पे बताना कि x का वैल्यू क्या आ गया, x का दो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, या तो वैल्यू आ रहा है 7 या तो वैल्यू आ रहा है माइनस 5, ये हमारा हो गया आंसर। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, show that the points A, B and C are vertices of equilateral triangle. Equilateral triangle का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ये आपको बताना है, पहले ये बताना है कि इक्वल ट्राइंगल होगा, तो इक्वल ट्राइंगल होते ही ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी बन जाएंगे इसके वर्टाइसेस। ठीक है तो आपको यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको निकालना क्या है इसमें, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 तीनों से ये तीनों इक्वल है, ए बी इज इक्वल बी सी होगा, बी सी इज इक्वल ए सी हो जाएगा, जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये बन जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आप सवाल खुद सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने और भी दोस्तों के साथ में, कमेंट कीजिए, आपके एक वीडियो के कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।